कौन है राजकुमारी दिया सिंह जिसने किया ताजमहल की प्रॉपर्टी अपनी होने का दावा? आखिर जयपुर के घराने से क्या है कनेक्शन? ताजमहल को लेकर अब नया विवाद छिड़ गया है। अभी तक ताजमहल का नाम जो कि तेजो महल करने पर चर्चा थी, उसके अंदर शिव मंदिर होने की चर्चा थी, तो वहीं राजकुमारी दिया सिंह ने एक नया विवाद इसलिए खड़ा कर दिया है क्योंकि उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी को अपना बता दिया है। ये दावा उन्होंने अब किया है और मीडिया में ये दावा पेश होते ही सनसनी मच गई है। तो आइए दोस्तों आपके सामने बताते हैं कि आज कौन है राजकुमारी दिया और कहां से हैं, राजस्थान से इनका क्या संबंध है, राजघराने से इनका क्या नाता है। ताजमहल का मामला अभी हाईकोर्ट में था और राजकुमारी दिया कुमारी ने ये बड़ा दावा करके सनसनी फैला दी है। राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा है कि ताजमहल जयपुर के पूर्व राज परिवार का एक महल था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। मीडिया में आपने बखूबी बयान देते हुए इन्हें देखा कि उन्होंने कहा कि वहां पहले हमारा पैलेस था जिसको शाहजहां ने ले लिया था। दिया कुमारी आके कहती हैं कि उस वक्त मुगलों की सरकार थी, इसलिए राज परिवार ज्यादा विरोध नहीं कर सका, किसी से कुछ कह नहीं सकते। राजकुमारी ने आके कहा कि उनके ट्रस्ट में पोथी खाना है और इससे संबंधित सारे कागजात वहीं हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो इसको दिखाने के लिए भी तैयार है। दिया कुमारी का संबंध जयपुर घराने से है, वो भी राजघराना। मान सिंह जो मुगल सम्राट अकबर के नौ रत्नों में से शामिल थे, ये उनका राजघराना था। इसे पहले आमेर और बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। इसी परिवार में जन्म हुआ पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह का, जिनकी पत्नी का नाम पद्मिनी देवी है। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज भी बताता है और इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। ये बात राजघराने के कई लोगों ने कही है। तो वहीं महाराज सवाई भवानी सिंह 24 जून 1970 से 28 दिसंबर 1971 तक जयपुर के महाराजा रहे। दिया कुमारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। भवानी सिंह के कोई बेटा नहीं था, केवल दिया कुमारी ही थी और दिया कुमारी के बेटे को ही 2011 में अपना वारिस घोषित किया गया है। दिया कुमारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और फिर जयपुर से की, इसके बाद वो लंदन चली गईं। दिया कुमारी की निजी लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1997 में नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज की थी। नरेंद्र सिंह का राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, इसलिए राजकुमारी का इस तरह का एक आम आदमी से शादी करना अपने आप में चर्चा का विषय बना। दोनों की मुलाकात महाराज स्वाई मान सिंह आई म्यूजियम में हुई। तब नरेंद्र ग्रेजुएशन के बाद संग्रहालय ट्रस्ट में ट्रेनिंग के लिए आए थे। रिश्ते में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 21 साल बाद 2018 में दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया और अलग हो गए। दिया और नरेंद्र के तीन बच्चे हैं, इसमें बड़ा बेटा पद्मनाभ और छोटा बेटा लक्ष्यराज सिंह शामिल है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम गौरवी है। दिया के पिता भवानी सिंह का निधन 2011 में हो गया था, फिर गद्दी के वारिस के तौर पर पद्मनाभ सिंह का राज तिलक हुआ। दिया कुमारी ने अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी की नेता दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर से विधायक बनी और अब मौजूदा वक्त की बात करें तो वो राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं और 2019 के चुनावों में उनको भारी वोटों से जीत मिली थी। लेकिन अब फिलहाल वो अपनी राजनीति से ज्यादा अपने दावे को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने इसका दावा किया है और कहा है कि शाहजहां ने ये हमसे लिया था, उस वक्त हम विरोध नहीं कर सकते थे। ये भी कहा था कि इसके बदले कुछ दिया भी था, अब वो कोई रकम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि शाहजहां ने हमसे ले लिया था और उस वक्त मुगलों की सरकार थी तो कोई विरोध नहीं कर सके। लेकिन अगर आज आवाज उठी है तो ये सबको जानना जरूरी है। ताजमहल के अंदर 22 कमरों को भी खोला जाना चाहिए, उसके अंदर क्या है वो सबको पता चलना चाहिए। बहरहाल ये देखते हैं कि आखिर ये मामला कहां तक जाता है और कितनी दूर तक जाता है और इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज़।